सो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ पावर डायोड ऑन द बेसिस ऑफ टी आर आर. ओके नाउ फर्स्ट जो डायोड है बेटा दैट इज कॉल्ड जनरल पर्पस डायोड. ना जनरल पर्पस डायोड के केस में जो रिवर्स रिकवरी टाइम है इट इज वेरी वेरी हाई. इट इज ऑर्डर ऑफ 25 माइक्रोसेकेंड. बट अगर मैं फास्ट रिकवरी डायोड की बात करूँ, स्नैपी डायोड की बात करूँ, देन टी आर आर इज फाइव लेस देन इक्वल टू 5 माइक्रोसेकेंड. बट इन केस ऑफ शॉर्ट की डायोड द टी आर आर इज जीरो. वाई टी आर आर इज जीरो? टी आर आर इज जीरो बिकॉज क्यू आर इज जीरो. अब ऐसा क्यों है उसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा. नाउ समझिएगा, मैं शॉर्ट की डायोड का थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं. अगर मैं एक बात करता हूं पीएन जंक्शन डायोड, अगर मेरे पास है एक पीएन जंक्शन डायोड, इसका एनोड कैथोड ये रहा, ये पी साइड एनोड और एन साइड कैथोड. नाउ अगर मैं एक पीएन जंक्शन डायोड में जो पी साइड मटेरियल पी टाइप सिलिकॉन मटेरियल है उसको रिप्लेस कर देता हूं विद द हेल्प ऑफ एल्युमिनियम. पहले समझते हैं, पहले यहां पर थे होल्स. Here the charge carriers holes, but here the charge carriers are electron. Now, अब मैं क्या कर रहा हूँ? Now I'm replacing this p-type silicon material by aluminium. Now aluminium, then aluminium is a metal or conductor. Then the charge carrier is electron. Electron, ठीक है? तो जो Schottky diode है, that is called metal diode. So next name for Schottky diode is metal silicon diode. ठीक है बेटा यहाँ तक. Now नेक्स्ट चीज समझिएगा इसी के बारे में. इन केस ऑफ शॉटकी डायोड देयर इज नो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर. देयर इज नो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर. सो नो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस. सो क्यू आर इज जीरो, हेंस टी आर आर इज जीरो. क्लियर है यहां तक? दैट्स वाई द शॉटकी डायोड इज कॉल्ड फास्टेस्ट डायोड. ओके सेकेंड चीज बेटा, इन केस ऑफ शॉटकी डायोड देयर इज नो होल्स. सो इट इज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस. इट इज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस और डायोड, और वी कैन से हॉट कैरियर. एंड हॉट कैरियर क्या है? फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजोरिटी चार्ज कैरियर. ठीक है यहां तक? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप समझें, इन केस ऑफ शॉटकी डायोड द एनोड इज रिप्रेजेंटिंग द एल्युमिनियम एंड द कैथोड इज रिप्रेजेंटिंग द एन टाइप मटेरियल. नाउ दिस एन टाइप मटेरियल इज कॉल्ड सिलिकॉन. तो अगर मैं क्वेश्चन बनाने पर आ जाता हूं, इन केस ऑफ शॉटकी डायोड जो एनोड है दैट इज रिप्रेजेंटिंग एल्युमिनियम, दैट इज मेटल, बट द कैथोड इज रिप्रेजेंटिंग एन टाइप सिलिकॉन मटेरियल. क्लियर है यहां तक? आई होप सो ये बात भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी. नाउ शॉटकी डायोड में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं है, इसकी वजह से जो शॉटकी डायोड है दैट इज हैविंग हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन. दैट्स वाई शॉटकी डायोड इज यूज अबव द 100 किलोहर्ट्ज़. दैट इज कॉल्ड हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग एप्लीकेशन. एंड द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज कॉल्ड हाई करंट एंड लो वोल्टेज डीसी एप्लीकेशन. क्लियर है यहां तक? सो शॉटकी डायोड के लिए पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, इसका डायग्राम क्या है वो भी क्लियर हो गया होगा. नाउ सेकेंड पॉइंट में समझते, रेटिंग 1 एम्पियर टू सेवरल थाउजेंड एम्पियर, 50 वोल्ट टू 5 kV. फास्ट रिकवरी डायोड इज 1 एम्पियर टू किलो एम्पियर ऑर्डर, 50 वोल्ट टू 3 kV. बट जो शॉटकी डायोड है दैट इज यूज फॉर हाई करंट लो वोल्टेज एप्लीकेशन. नेक्स्ट पॉइंट एप्लीकेशन का, जो जनरल पर्पस डायोड दैट इज यूज इन 50 और 60 हर्ट्ज पावर रेक्टिफिकेशन. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस डायोड बेटा, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, चॉपर इन्वर्टर फ्री व्हीलिंग डायोड कौन सा होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा. इस नंबर सर्किट में कौन सा यूज होता है, फीडबैक में, स्विच मोड पावर सप्लाई में कौन सा यूज होता है, इंडक्शन हीटिंग में कौन सा डायोड यूज होता है, दैट इज कॉल्ड फास्ट रिकवरी डायोड. और फास्ट रिकवरी डायोड और स्नैपी डायोड के लिए जो सॉफ्टनेस फैक्टर है दैट इज लेस देन 1. नेक्स्ट पॉइंट में अगर मैं शॉटकी डायोड में समझता हूं, मैंने ऑलरेडी बता ही दिया जो शॉटकी डायोड है वो हाई फ्रीक्वेंसी हाई स्विचिंग स्पीड के लिए एप्लीकेबल है, और इसका जो मेन एप्लीकेशन हाई करंट एंड लो वोल्टेज डीसी के लिए एप्लीकेबल है. क्लियर सी बात समझ में आ गई? अब जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें हम समझते हैं जो शॉटकी डायोड के एडवांटेज डिसएडवांटेज प्लस
कुछ जो फास्ट रिकवरी डायोड है उसके कुछ नोट पॉइंट। तो समझाता हूं मैं आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ शॉटकी डायोड प्लस सम एक्स्ट्रा पॉइंट। अगर मैं सम एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करता हूं, जो फास्ट रिकवरी डायोड है इसका जो रिवर्स रिकवरी टाइम है उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गोल्ड या प्लेटिनम की डोपिंग कर देते हैं, जिससे कि जो रिवर्स रिकवरी टाइम और कम हो जाता है। तो इस तरीके के कुछ पॉइंट में नोट पॉइंट में लिखवाता हूं, जिससे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट होंगे। पहले तो मैं नोट पॉइंट की बात करता हूं, जो फास्ट रिकवरी डायोड है इसका नोट पॉइंट क्या होगा। ठीक है, नोट पॉइंट समझिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हेन वोल्टेज रेटिंग इज लेस देन 400 वोल्ट, देन डायोड इज मेड बाई epitaxially process, ओके प्रोसेस, देन द रिवर्स रिकवरी टाइम इज 15 नैनोसेकंड, दैट इज वेरी लेस, ओके। नाउ बट व्हेन वोल्टेज रेटिंग इज ग्रेटर देन 400 वोल्ट, देन इट इज मेड बाई डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। देन टी आर आर इज हाई। नाउ टू रिड्यूस दिस टी आर आर, दैट इज रिवर्स रिकवरी टाइम, वी यूज डोपिंग ऑफ आइदर प्लेटिनम और गोल्ड। क्लियर है यहां तक? नाउ नेक्स्ट पॉइंट है जो है हमारा एडवांटेज शॉटकी डायोड में, समझते हैं। सिंस इट इज अ सिंगल चार्ज कैरियर डिवाइस, सो नॉइज इज लेस, लो कट इन वोल्टेज, लो फॉरवर्ड ऑन स्टेट ड्रॉप लाइक 0.3 वोल्ट, हायर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी दैट इज ग्रेटर देन 100 kHz, एफ इज ग्रेटर देन 100 kHz, दैट्स व्हाई इट्स स्विचिंग स्पीड इज वेरी वेरी हाई, दैट इज इट कैन मेड टर्न ऑफ वेरी फास्ट। सो स्विचिंग स्पीड हाई का मतलब क्या है, टर्न ऑफ फास्ट, क्लियर है। देन नो मैग्नेटिक चार्ज कैरियर, सो इट परमिट्स रिड्यूस इस नंबर सर्किट यू विल स्टडी इन SCR, ओके। आगे बात करता हूँ ड्रॉबैक क्या होगा, हाई रिवर्स सैचुरेशन करंट, जो इकलौता ड्रॉबैक है इसमें जो लीकेज करंट है या जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो ज़्यादा है। सो टाइप्स ऑफ जो पावर डायोड हैं उनका छोटा सा क्लासिफिकेशन मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इस लेक्चर को ध्यान से रखिएगा कि एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा ही आएगा। क्लियर है यहाँ तक? नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं इनका न्यूमेरिकल पार्ट।